तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजन सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे हमारी ये पूरी सेना इस विशाल समुद्र को पार कर सके। समुद्र पार करने का मात्र एक ही उपाय है किष्किंधापति सुग्रीव, समुद्र देव से प्रार्थना। हे जलिधि, मैं आपकी विनती करता हूँ कि अपनी सेना के साथ पार होने तक आप शांत हो जाएं। माने कभी नहीं कहा कि विभीषण लंका छोड़कर जाए, परंतु उसने ऐसा किया। विभीषण ने जो कुछ भी किया उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओम समुद्र देवाय नमः। लक्ष्मीपति विभीषण अपने मंत्रियों के साथ समुद्र पार कर चुके महाराज। कहाँ गए वो? वो राम से मिल गए महाराज। असंभव असंभव असंभव। किंतु ये सच है महाराज, मैंने स्वयं उन्हें देखा। राम और उनके भ्राता लक्ष्मण ने पूरी सेना की उपस्थिति में उनका अभिषेक भी कर दिया। वो उत्पाती वानर हनुमान भी वही था। अभिषेक? कैसा अभिषेक? किस बात का अभिषेक? भमेल, निर्भय होकर कहो। राज्याभिषेक महाराज। राम ने विभीषण से मिलते ही आपके अंत की घोषणा भी कर दी और क्या? और उन्होंने महाराज विभीषण को लंका का अधिकार भी दे दिया। क्या विभीषण ने यह सब स्वीकार कर लिया? क्षमा करें महाराज, उन्होंने राम का साथ देने का वचन दिया और साथ ही साथ लंका के सर्वनाश करने की शपथ भी खाई है। कलंक है वो, कलंक है। उसने राक्षस संस्कृति को कलंकित किया है। राक्षस जाति के साथ विश्वासघात किया है उस विभीषण ने, और ऐसा करके उसने अपने मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है।
समुद्र देवाय नमः। मैं रघुवंशी राम आज तुम्हारे विनाश की महाघोषणा करता हूँ। कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। भैया आखिर हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? मुझे तो लगता है समुद्र देव हमारी विनती का उपहास उड़ा रहे हैं। हमें 3 दिन हो गए उनसे विनती करते हुए। सत्य कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, और मेरे भी धैर्य का बांध टूट रहा है। अब मुझसे और अधिक प्रतीक्षा नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। समुद्र देव हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारी विनम्रता का उपहास कर रहे हैं। हनुमान बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही समुद्र देव के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहेंगे? भैया लक्ष्मण सत्य कह रहे हैं प्रभु। समुद्र देव अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। वो आपकी प्रार्थना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैं तो उसी दिन कहना चाहता था कि हमारे पास किसी से विनती करने का समय नहीं है। किसी पर आश्रित होकर यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये सत्य श्री राम, हमें कोई और मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। समुद्र देव द्रवित होने वाले नहीं है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा, इसी क्षण हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? जब प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है तब बल का सहारा लेना पड़ता है। जब इन्हें से काम नहीं होता है तब शक्ति से वो कार्य सिद्ध किया जाता है। मैं अपने एक ही बाण से इस समुद्र के जल को जल विहीन कर दूंगा। मत लो, मैं रघुवंशी राम अब तुम्हारी आराधना नहीं करूंगा। कदापि तुम्हारी वंदना नहीं करूंगा। तुम हमारी वंदना के पात्र नहीं हो।
अमोक बाण के एक ही प्रहार से, प्रहार से मैं मार्ग में बाधक बने इस समुद्र को नष्ट कर दूंगा। मैं समुद्र की एक एक बूंद को अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगा। जिन तरंगों पर समुद्र देव को इतना गर्व, उस गर्व को मैं चूर चूर कर दूंगा। जिस शक्ति के मत में समुद्र देव ने हमारे कार्य को बाधित किया, उस शक्ति को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। स्पर्श गुण को भली भांति जानता हूँ। समुद्र देव, नल और नील के इस गुण का क्या होगा? सेतु बनेगा प्रभु, सेतु। और इस सेतु निर्माण में मैं स्वयं नल और नील की सहायता करूंगा। स्वामी कुछ कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। चिंता ना करें देवी, जो भी होगा शुभ होगा। व्यर्थ है समुद्र देव, तुम अब हमारे दंड के भागी हो। मैं आपका सेवक हूं प्रभु, आपका शुभचिंतक हूं प्रभु। मैं आपके कष्ट से अत्यंत दुखी हूं, किंतु मैं विवशता दयानिधि। कैसी विवशता समुद्र देव? आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, त्रिकालदर्शी। रावण ने केवल आपको ही संकट में नहीं डाला है, अपितु समस्त देवलोक उससे त्रस्त। मैंने आपका मार्ग बाधित नहीं किया है प्रभु, बल्कि मैं तो स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए व्याकुल था प्रभु। किंतु क्या समुद्र देव? किंतु लंकेश ने मेरे मार्ग को बाधित कर दिया था। उसने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की थी प्रभु, परंतु मैं किसी प्रकार उससे मुक्त होकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ प्रभु। आप जो भी मुझे दंड देना चाहें मुझे दे दीजिए प्रभु, मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी। रावण के हाथ
हाथों दंडित होने से आपके हाथों दंडित होना मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण होगा। प्रभु आपका सत्य अज्ञात है समुद्रदेव, मुझे लगा कि आप हमारी अवहेलना कर रहे हैं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सीता और हमारे बीच केवल आप ही मार्ग में बाधा है। इसीलिए मैं अपने आप को क्रोध में रोक नहीं पाया। मैं आपकी चिंता भली भांति समझ रहा हूँ प्रभु, मैं अपनी परवाह तो नहीं रोक सकता प्रभु, किंतु आपको लंका तक पहुँचने का परामर्श अवश्य दे सकता हूँ। कैसा परामर्श समुद्र देव? संकट मोचन जय हनुमान। आपका विचार अति उत्तम है समुद्र देव, किंतु मेरे सम्मुख मान का क्या होगा? ये अपने कार्य की पूर्ति किए बिना कर्कश में वापस नहीं जा सकता। प्रभु इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं कि अब इसका प्रयोग आप कहां करेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु आपकी सेना में नल और नील दो वानर हैं। नाथ नील नल कपि बहुभाई, नाथ नील नल कपि बहुभाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। इनके स्पर्श किए गिरिबारे, इनके स्पर्श किए गिरिबारे, तैरही जलधि प्रताप तुम्हारे, तैरही जलधि प्रताप तुम्हारे। दोनों निर्माण कला में अति निपुण और उन दोनों वानरों को बालपन में एक महान ऋषि के द्वारा एक विशेष वरदान भी मिला हुआ है। कैसा वरदान समुद्र देव? वे जिस भी शिलाखंड को स्पर्श करेंगे वो शिलाखंड आपके प्रताप से जल में तैरने लगेगा। प्रभु और इस सेतु निर्माण में मैं स्वयं नल और नील की सहायता करूंगा, इससे मेरे मर्यादा की भी हानि नहीं होगी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। हमारे साम्राज्य में रहने वाले सभी जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। अच्छा प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका विचार अति उत्तम है समुद्र देव, किंतु मेरे इस अमोघ बाण का क्या होगा? ये अपने कार्य की पूर्ति किए बिना कर्कश में वापस नहीं जा सकता। प्रभु इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं कि अब इसका प्रयोग आप कहां करेंगे। ठीक है, मैं इस जन्म शून्य स्थान पर प्रहार करके निष्क्रिय कर देता हूं। यदि वो राम लंका पहुंच गया तो हम राक्षसों की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात होगा और उससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। हमें सेतु निर्माण के पूर्व ही उस राम का वध करना होगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान, मारो जय मारो।
पद्दी